अभी कब आ रही है? चल तेरी, क्या हाल कर दिया। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, यू गाइस आर वाचिंग माय सैटरडे गड्डी व्लॉग्स का एक और नया दिन। और आज के दिन में भाई दीदी जा रही है हल्दी पे। भाई हल्दी पे क्यों जा रही हो? मैं सच बताऊं भाई हल्दी पे क्यों जा रही है? बताओ दोस्तों आपको, हल्दी पे इसलिए जा रही है क्योंकि इनको कंटेंट नहीं है, उनको कंटेंट शूट करना है। दोस्त की हल्दी गई बाढ़ में भाई, एक बजे पहुंचना था, दो तो यही बज गए। मगर सच बताओ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको कंटेंट शूट करना है। मतलब ये इनका मन था, ऋषभ भाई का दोस्त है वो जिनकी जा रहे हैं ना, ऋषभ भाई के पक्का दोस्त है। मगर ऋषभ भाई का तो बिल्कुल मन था भाई जाना है जाना जाना है। बहुत लिमिटेड अच्छे दोस्त है तो फिर मैंने सोचा चल ठीक है, जब बाकी के मैं गए थे। नाइस कवर अप, बड़ी नाइस कवर अप, काफी अच्छा यार। मगर आपको क्या जी ना, दीदी थक रही थी बहुत ज्यादा क्योंकि रात को हम लोग आए थे कॉकटेल पार्टी से उनकी, तो थक चुकी थी बहुत ज्यादा ये। तो इन्होंने सुबह ही प्लान करता कि ऋषभ तू चल जा। ऋषभ भाई तो रेडी होकर आए थे भाई, करते कि जाना है जाना है। मगर भैया प्रियंका दी का मन डाल मोल डोल रहा था, फिर प्रियंका दी सोचा मैं कंटेंट शूट करूंगी, फिर इस चक्कर में जा रही है भाई। और ऋषभ भाई भी देखो पीले पीले हो चुके सारे सारे हैं भाई, पीला पीला कैसे। डांस का ऐसा भूत चढ़ा है ना, मैंने पहली बार देखा है इसको, 7-8 सालों में डांस करता है। काले पीले लग रहे हैं, काले पीले लग रहे हैं, काले पीले। तो भाई लोग रेडियो के निकलेंगे, और हमारी एडिटर साहब आ गई है। एडिटर साहब कहाँ थे? स्कूटी लेकर गए, मैंने इसको बोला स्कूटी घर छोड़ दी और स्कूटी लेकर घर चली गई। और रात को कहाँ कांडा इतने स्कूटी से बता, सही से बता, सही से बता, सही से बता है। मैंने इसको रात को स्कूटी पे छोड़ा, सुबह पकड़ा इसको स्कूटी पे था। अम्मा की मेडिसिन लेके आनी, अम्मा की मेडिसिन बहाना तेरे को, तो असल में मिलने जाना है। हंस के दिखा दो। और भाई मम्मी ने देखो नाश्ते बनाए, मम्मी क्या है, मटरा है छोले? मम्मी आप बताओ ये चीज हमारी है क्या? दिस इज कॉल्ड मटरा और छोले। मैं मटरा नहीं बोलती हूँ कभी भी, मैं सफेद मटर बोलती हूँ। मम्मी आपने नया नाम दे दिया सफेद मटर। वैसे देखो ये वही है भाई जो दिल्ली में छोले कुलचों में खाए जाते हैं। मम्मी छोले कुलचे बोलता हूँ ना, मटर कुलचा बोलना चाहिए ना। मगर भाई ये मटर कुलचे है भाई, मैं इसको खाऊंगा और उसके बाद भाई लग जाऊंगा एडिटिंग पे और भाई दीदी निकल जाएंगी उसके बाद हल्दी में। भाई फाइनली वी हैव रीच द पूरा येलो येलो आउटफिट लेकर अपन गड्डी लेकर के आ गए यहाँ पे। अभी आपको वो इवेंट की रोड से बहुत जल्दी आती हूँ, मुझे नहीं पता मैं व्लॉग पूरा कर पाऊंगी, इतना फंक्शन मिला, इतना काम हो जाता है। और ना अब तो ट्रेंड आ गया भाई, पहले हल्दी घर में हो जाती थी लेकिन यहाँ पर गाने चले हैं, कॉपीराइट ही आना चाहिए। ओ यार मेरे कानों का गिर गया जी, मेरा है ऋषभ गिर गया, संभाल के रखी। अब ये दूल्हे को हल्दी लग रही, हटा हटा हटा, हटा भी आएगी लास्ट वाले में डालना जो हमने करना है ना, वो जो वॉइस को आने दो, रुको मुझे पहले। तो वही शरीफ लोग जो सारे कांड करके पीछे बैठ जाते हैं, शरीफों की तरह हाथ भी लगाया अपने हाथ दे दे। हाँ बेटा इसमें सब रिकॉर्ड है, अभी अभी इसको बियर बना लाएंगे। अच्छा भाई जा हाथ लगाएगी, तूने क्यों लगवाई हल्दी? तेरी शादी हो गई है ना, तेरी दूसरी प्लानिंग चल रही है, इसको दूसरी करनी है। यहाँ पे लड़की वाले बैठे हुए हैं, क्या करने आए थे हल्दी फंक्शन में? ड्रॉप कर रहे हैं लेने, मुझे लग रहा है मुझे पहली शादी लग रही है जिसमें बड़ा दूल्हा जाने वाला है। दूल्हे की विदाई होगी है ना। कोई भी ब्लॉग में पूछे कि स्मार्ट से लड़का कौन है, तो JD_13 इंस्टाग्राम फॉलो। ओह माय गॉड, हाइट कितनी है आपकी? 6'3". ऊपर से व्यू कैसा आ रहा है? मैं आप दीदी से बोले, दीदी बायोडाटा भेज देंगे आपको। ऊपर से नजारा कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको दूर दूर का दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, हम दूर दूर का देख लेते हैं। अब क्या प्लान है जी, इतनी जल्दी हल्दी नहीं पट गई? अभी कब आ रही है? चल तेरी, जल्दी हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया। और बताए मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मैंने एक दो चीजें थी, पता नहीं क्या था, मैंने वो पोर्ट्रेट फॉर्म में शॉट, मतलब मैं ऐसी करती हूँ कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, कभी ऐसी कर लेती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना। ऑल्सो मैं कैसे लग रहा हूँ, मतलब दिस इज माय फेवरेट आउटफिट। तो कभी भी हल्दी का फंक्शन होता है आई विल प्रेफर दिस सूट
वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो. मैं ना सस्टेनेबल फैशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. वी आर नॉट सेलिब्रिटीज या जो भी है, अगर मैं सेलिब्रिटी भी बन जाऊंगी तो भी आई विल रिपीट माय क्लोथ्स, बिकॉज फैशन को रिपीट करना, कपड़ों को रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पूरी धरती पे कपड़े कपड़े हो जाएंगे यार. गाड़ी में हेलो, स्पेशली आपकी वॉइस. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. या बाय. सेम बाय. पतिदेव आ रहे हैं बाहर से. कहाँ थे बेटा? क्या आप सक्षम से मिल, सक्षम के साथ मिलके मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो? दिखाना अगर हंसी, क्योंकि सक्षम और आगे कॉन्वर्सेशन का कोई लिंक नहीं है. सक्षम को फोन क्यों आया था? काम के लिए आया था, बताऊंगा उसके बाद. यही होता है लड़कियों का ओवर थिंकिंग जो होती है ना, उनका जो दिमाग होता है वो अपना सरप्राइज भी खुद प्लान स्पॉइल कर सकती है. मतलब अगर मैं ना सोचती, मेरे साथ क्या हो चुका है कि अगर ये कर देगा तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि इसने कुछ सरप्राइज सक्षम के साथ मिलकर प्लान किया होगा. और अगर इन जेनुअनली इन्होंने कुछ नहीं प्लान किया होगा तो मेरे को हो जाएगा यार इन्होंने क्यों नहीं किया. नहीं करा, सच बता दो, मेरे को झूठ बोलने वाली बात नहीं है. मैं कैसा लगता हूँ सूट में? बढ़िया लगता है, सूट भी बहुत बढ़िया. मैंने 4-5 बार पहन लिया यार, पर अच्छा लगता. कल कितने बार और पहनना है? 40 बार और. जब तक पूछना जाए, जब तक है जान, जब तक है जान. भाई मेरा ओवल शेप फेस था, लुक एट माई फेस, ये अब बॉल बनता जा रहा है. मेरा पेट बॉल बनता जा रहा है, ऐसी डंडी से मैं ऐसा गोला बनता जा रहा हूँ. भाई इस लड़के को आजकल इतना ज्यादा नाच का भूत चढ़ गया है ना, मैं आपको यहाँ ग्लिम्स दिखाऊंगी. ही इज क्रेजी ओवर डांस. फंक्शन से आने के बाद मैंने सोचा था घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बट ऐसे कैसे ब्रो. लोग बैठ गए हैं फिर से एडिटिंग लेके, क्योंकि फाइल अपलोड होने वाली है. भाई मुझे दे तो दे फाइल. निखिला में ज्ञान देते रहते हैं, व्लॉग एंड कर दो. मैं सच में हमेशा व्लॉग एंड करना भूल जाती हूँ. एडिटिंग करने के बाद मेरे को, मतलब ऋषभ को भी बुखार चढ़ गया था, मुझे भी, पर ऋषभ ने हिम्मत करके वो गए मेहंदी के फंक्शन में, मेरे से नहीं हुआ. मैं चेंज करके आराम से पड़ी हुई हूँ, फिर याद आया कि यार शिट व्लॉग तो एंड करा ही नहीं. तो इस तरीके से हमारा कुछ दिन था. और घर आती हूँ मैं तो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है. साफ करना है घर आते हैं, घर बहुत गंदा हो जाता है. गंदा क्या हो जाता है यार, मेरा सामान अब तूने पूरी अलमारी तो ले ली, अब मैं बता कहाँ रखूँ? बता दे कहाँ रखूँ? घर के बाहर रखो, इतना सामान है मैं क्या करूँ यार. और लड़की रेडी तो बहुत होती है, ये वाला वो वाला और पुराने वाला, फिर भी आपको जगह चाहिए. और ये भी मेरे, अभी इनके पास कपड़े कम है, मेरे पास क्या है. मैं ना अगली बार से कपड़े लाए ही नहीं करूंगी. पता पहले क्या होता था, पहले मैं अब व्लॉग एंड कर रही थी, लेकिन लंबा खींचेगा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं. पहले क्या होता था, जब ये था फर्स्ट सेकंड ईयर में और मैं इसके कपड़े पहन लेती थी, तो ये कहता था यार दीदी आपने ये क्यों पहन लिया, लोग कहेंगे तो अपनी बहन के कपड़े पहनता है. बहन के नहीं, बहन भाई के पहन रही है. पहले होता था ना क्योंकि आप वीडियो बना देते ना, मैं थोड़ी था वीडियो में, तो लोग लगा ना बहन की बहन लिए. भाई बीच में ना कमेंट्स भी आने लगे थे, तुम दोनों भाई बहनों के पास कपड़े नहीं, एक दूसरे के पहनते रहते. ठीक है, तो अभी हम लोग सोते हैं, रात के बज रहे 12:30. गुफ्तगू सेशन चल रहा था हमारा, हो गया खत्म. कल मिलते हैं आप लोगों से अगले, आप लोगों से मिलते किसी और ब्लॉग में. तब तक के लिए राम राम. जय श्री राम.